फाइनली हम लोग पहुंच ही गए। पर पता नहीं दादा हुजूर की इस खटारा गाड़ी से हमको कब छुटकारा मिलेगा। मायरा, अबे मैं अबू दादा हुजूर आप सब एक साथ खड़े हो जाइए, मुझे एक फैमिली पिक्चर चाहिए। इतना इंटरेस्ट तो आज तक इसने किसी चीज में नहीं लिया। आज तक इसने कोई भी काम इतनी जल्दी और इतने अच्छे तरीके से नहीं सीखा। Smile. आपके बगैर तो फैमिली पिक्चर कंप्लीट हो नहीं सकती, तो लिहाजा आप इधर आ जाइए। भाई साहब प्लीज एक पिक्चर खींचेंगे आप? उफ़, काफी भीड़ है यहाँ पर। भाईजान मुझे पेस्ट्री खानी है। चिप्स भी खा रहा है, पेस्ट्री भी खानी है। एक बार में एक चीज खा लिया करना गोलू, खाया करना। खिला दो ना, पेस्ट्री तो है। लो भाग गया, जाओ जाओ, देखो क्या खा रहा है। खुद ही खा लेगा। बाबा जान वो देखिए उस लड़की की हाइट कितनी अच्छी है। देखिए कैसी लगी अपने जहन के लिए वो नीली वाली हाइट। ठीक है शक्ल भी तो देख छोटी। हाँ वो बात भी सही है। अरे तुम लोग भी क्या ये सब। भाभी जान उसकी बाजू वाली तो देखिए हर तरफ एक ही जैसी है। अरे जैन की जोड़ी की भी तो होनी चाहिए ना, क्या छोटी ये सब। अरे आप लोग यहाँ घूमने आए या लड़कियां देखने? चलो छोड़ो, कुछ खाते हैं पीते हैं फिर चलते हैं। ठीक है बच्ची को बुला लीजिए, चलते। अच्छा नन्हे एक चीज बता, तेरी क्लासमेट की फैमिलीज भी तो आई होंगी ना? हाँ टीचर ने तो कहा था कि सारी फैमिलीज आएंगी। अच्छा भाईजान आप भी खाओ ना, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खाओ ना और खिलाओ इसको। भाई आप कहाँ जा रहे हो? आता हूँ। आप यहाँ? मैं वो आज आप, हाँ बोलिए बोलिए। आज तो मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, पर आई प्रॉमिस मैं थोड़े थोड़े करके पक्का लौटा दूंगी। बट प्लीज आप मेरे अम्मी अब्बू से कुछ मत कहिएगा, उन्हें पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे अरे नहीं नहीं आप कैसी बात कर रही है, वो कोई पैसे की बात नहीं है। मैं आपको यहाँ नहीं, नाइस इवेंट हा, बहुत क्यूट लग रहा है ये सारे जो ये सब करने में मेरा भी बहुत सारा हाथ है। अच्छा ये जो आपने जो अरेंजमेंट की बहुत अच्छी लग रही है सारी अरेंजमेंट्स। किसका इंतजार कर रहे हैं नवाब साहब? बस यूं समझ लीजिए कि इंतजार खत्म हो गया, हमारी जिंदगी का सफर आपके इंतजार से शुरू होकर आपके दीदार पर खत्म हो जाता है। मल के सच कह रहे हैं नवाब साहब। अगर आप यकीन फरमाएं तो हम एक बात अर्ज करें। जी कहिए ना। चांस से ज्यादा तमन्ना थी दादा हुजूर एक सिंगल फोटो।
मेरे अल्लाह, इस तूफान से बचने का कोई रास्ता दिखा मेरे माबूद। मजाज, अरे भाभी जान नमस्कार। अरे क्या हाल चाल अंकल, चार ग्लास कोल्ड ड्रिंक दो ना। तूने मेरी कोल्ड ड्रिंक क्यों गिराई भूरे भैंसे? छिपकली, गलती से गिर गई। नहीं, तूने जानबूझ के गिराई है भैंसे। एक बार बोला ना, गलती से गिर गई। अल्लाह मियां सब देख रहे हैं। मैं अपने भाईजान से तुम लोगों की शिकायत करूंगा। छिपकली, इसका मतलब रेड कार वाला गुड बॉय भी आया है। आज तो मैं अपनी अम्मी की फोटो के बारे में पूछ ही लूंगी। I'm so sorry, ये गलती से। देखो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, गलती से तुम पे ये कोल्ड ड्रिंक गिर गई। गलती से? कहीं तुम जानबूझ के तो नहीं टकराई मुझसे? कहा ना सॉरी, अपनी लिमिट में रहो। इन सब के बीच में आपका नाम तो पूछना ही भूल गया मैं। मेरा नाम मेहर जैन। नाम तो पहले से ही पता था, लेकिन आपके मुंह से सुना तो और भी खूबसूरत लगा। मेहर, नंबर ही मांग लेना चाहिए था। लगता है ये काम भी मरियम से ही करवाना पड़ेगा। थोड़ी देर में बस घर चलते, चांद निकलेगा, फिर चांद देखेंगे। पर चांद किस साइड से निकलेगा? उस साइड से आएगा। छिपकली, चांद उस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में निकलता है। डम्बो, तू होगा डम्बो। भूरे भैंसे, चल हट। तू हट छिपकली, चल हट। तुझे छोड़ूंगा नहीं छिपकली। मैंने खूबसूरत लड़कियों से लड़ा नहीं करता। सूरत या गुड बॉय, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ, बहुत खूबसूरत। और एक बात बताइए, आप हमेशा अपने इस कैमरे के साथ क्यों रहती हैं? मुझे अपने अब्बू की तरह जर्नलिस्ट बनना है। इतनी छोटी सी और प्यारी सी हैं, पर आपको अभी से पता है कि आपका गोल क्या है? बहुत अच्छी बात है, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। मैं जब आपके घर आई थी तो मेरी अम्मी की फोटो आपके घर क्यों थी? आपकी अम्मी की फोटो मेरे घर पे कैसे हो सकती? कहाँ है आपकी अम्मी? कहाँ है?